गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब तक कोई भी भारतीय नहीं तोड़ पाया है। जी हाँ गाइस, दिनेश कार्तिक एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान 12 कप्तानों की कप्तानी में क्रिकेट खेला है, जिसमें सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे कप्तान शामिल हैं। और तो और, दिनेश कार्तिक को क्रिकेट खेलते हुए इतना समय हो चुका है कि वो उस समय 23 साल के हरभजन सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं और आज के 23 साल के अर्शदीप सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे गाइज, आपके हिसाब से दिनेश कार्तिक को अब कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, बात चाहे हाथ चलाने की हो या दिमाग चलाने की, MS धोनी की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मतलब कि एक गलती और सामने वाले खिलाड़ी का खेल खत्म। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प घटना भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे एक वनडे मैच की है, जब भारत की ओर से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे श्रीलंकाई बल्लेबाज रंगना हेरात। तभी जडेजा एक वाइड बॉल फेंकते हैं और बॉल धोनी के ग्लव्स में पहुंच जाती है और तब धोनी स्टंपिंग करने की एक्टिंग करते हैं, बावजूद इसके कि रंगना हेरात पहले से ही क्रीज में मौजूद हैं। लेकिन मास्टरमाइंड धोनी को पता था कि हेरात अपना बैलेंस खो बैठेंगे और क्रीज से बाहर निकल जाएंगे। अगले ही पल हेरात अपना बैलेंस खो बैठते हैं और उनका पैर ऊपर उठ जाता है। फिर क्या था, अपने तेज तरार धोनी ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए झट से स्टंपिंग कर दी। फिर नतीजा आप सब लोग जानते ही हैं।